नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइनियर हरियाणा और मैं हूँ आपके साथ भारती दुबे। देखिए आज दशहरा है और अभी जो है दोपहर हो रही है, लेकिन अभी से भीड़ भाड़ जो है दशहरा ग्राउंड में बहुत ज्यादा होगी। आपको बता दूं बीके एनआईटी के पास दशहरा ग्राउंड में मौजूद है, रावण जो है जलने के लिए लगभग तैयार। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर रावण जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रावण जो है बिल्कुल तैयार खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं यहाँ पर तैयार हैं जलने के लिए। अभी दोपहर हो रही है लेकिन दशहरा ग्राउंड में जो है अच्छी खासी भीड़ हो रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो भीड़ है बहुत ज्यादा, अभी से ही बहुत भीड़ हो गई है। लोग जो है आने लगे हैं क्योंकि देखिए जब रात हो जाती है, जब रावण का दहन किया जाता है उस समय भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है अभी से भीड़ लगना स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पर लोग जो है अच्छी खासी भीड़ ही नजर आ रही है आपको। लोग पहुँच गए हैं, काफी सवारी कर रहे हैं लोग। देखिए बच्चे हैं जो घोड़े पर बैठकर आनंद ले रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस साल में एक बार जो है दशहरा आता है और लोग इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, सभी बेहद खुश हैं। और स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और ऐसा अवसर हमेशा बार बार देखने को नहीं मिलता। शाम के टाइम बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है जिसके कारण जो लोग हैं ज्यादातर अपने बच्चों को दोपहर में ही घुमा देते हैं। देख सकते हैं आप अच्छी खासी भीड़ जो है दोपहर से ही होने लगी है। काफी लोग आज आकर जा भी चुके हैं क्योंकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, आगे से लेकर पीछे तक जो है काफी पुलिस जो है मुस्तैद की गई है और मेन गेट पर भी काफी पुलिस प्रशासन खड़ा है। लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कड़े से कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर सभी स्टॉल्स जो हैं लगा दी गई हैं, गोलगप्पे, आइसक्रीम, नमकीन, जो जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है वो सारी चीजें यहाँ पर लगा दी गई हैं। और साथ ही जो सबसे ज्यादा बच्चे जो है बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिनको देखकर जो चीजें उनको अच्छी लगती है, यहाँ पर झूले जो है बहुत सारे हैं और बच्चे जो है बहुत खुश हैं। एक बार बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे कैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे काफी आनंद ले रहे हैं झूलों का, राइड्स जो है बड़ा मजा आता है बच्चों को और भारी संख्या में यहाँ पर झूले लगाए गए हैं। देख सकते हैं आगे से लेकर पीछे तक जो है झूलों की कमी नहीं है। साथ ही स्टॉल्स देख सकते हैं, खिलौने, बच्चों के सारी चीजें जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। देखिए ये बच्चे हैं जो अपना नाम काफी पसंद करते हैं ऐसे हाथ में पहनना और ये टैटू वगैरह सारी चीजें हैं यहाँ पर और काफी खुश नजर आ रहे हैं लोग। यही दिन होते हैं कि दशहरा या फिर कोई और ऐसे दिन होते हैं जहाँ पर सभी लोगों की छुट्टी होती है और एक परिवार जो है पूरा मिलजुल कर एक साथ घूमता है, आनंद लेता है। देख सकते हैं अभी दोपहर हो रही है और दोपहर में ही भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और काफी जो है खुश नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया। कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद में कहाँ से? NIT 1। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच के? बहुत ही अच्छा, ये हमारी पूरी फैमिली है यहाँ, सब है। दशहरा का छुट्टी मिल जाती है तो पूरी फैमिली आ जाती है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सब लोग खुश हैं, बच्चे बहुत खुश, बहुत खुश है। मेरा नाम सचिन। कहाँ से? मैं यही फरीदाबाद एक नंबर से ही हूँ और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आजकल लोगों ने फ्लैट्स में, सोसाइटी में जाना शुरू कर दिया है, रह भी रहे हैं वो, लेकिन हमारे NIT 1 की जो रौनक है, जो कही था जनता में, वो बरकरार था, है और रहेगा। एंड आई एम वेरी मच प्राउड टू बी इंडियन एंड आई लव इंडिया। थैंक यू वेरी मच। इशारे में ये कहना चाहूंगा कि जैसे अधर्म धर्म पर जीत हुई है, असत्य की सत्य पर जीत हुई है, उस तरह हमें भी अब हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है या जो भी गलत चीजें हैं वो हमें नष्ट कर देनी चाहिए आज के दिन, और अच्छे अच्छे पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को जीना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूंगा।